राजा साहब ये बताएं कि ये ग्रीन लॉकडाउन क्या है जो आप लोगों ने नई कोई पॉलिसी या स्टेप अनाउंस किया है? अच्छा, इसमें मैं आपको अब ये बताना चाहूंगा कि ये बेसिकली लाहौर के अंदर हमने कुछ 10 से 12 एरिया आइडेंटिफाई किए हैं जहां पे AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, थर्ड पार्टी जहां पे क्वालिटी मॉनिटर्स लगे हुए हैं वो इसको एबनॉर्मली हाई बताते हैं जी। और इन सारे एरियाज को जब हमने एग्जामिन किया तो पता चला इनमें चंद चीजें इनकी आइडेंटिकल हैं, सिमिलर हैं, और खासतौर पे ये डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं, यहाँ पे क्रॉस रोड है, फुटफॉल बहुत ज्यादा है और स्कूल्स बहुत ज्यादा हैं, कमर्शियल एरियाज हैं। और ये मैं नाम ले देता हूँ जो लाहौर के सभी ले रहे हैं। नाम मत लें, हमें बताएं कि हाउ विल दिस पॉलिसी वर्क, अब वक्त कम रह गया है हमारे पास जी। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें कल हमने इसको ग्रीन रिंग या ग्रीन अरफुला में ग्रीन लॉकडाउन किया है जी। आज हमने वहां पे जितनी भी आज इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एयर क्वालिटी इंडेक्स अदरवाइज इट्स नॉट जस्ट फॉर ड्यू टू दैट ग्रीन रिंग। कैन वी प्लीज टॉक अबाउट द पॉलिसी कि वो कैसे काम करेगी, वक्त कम है, आप वी लॉस्ट योर वॉइस फॉर अ बिट इन द मिडल जी। इसमें मैं बता रहा हूँ कि जी 12 स्टेप्स लिए जा रहे हैं जिसमें हमने कंस्ट्रक्शन साइट बंद कर दी हैं, थ्री व्हीलर बंद कर दिया है, वहां पे कोई पार्किंग जो बिगर एरियाज हैं पार्किंग वहां से हटा दी गई है, वहां पे हमने ग्रीन प्लांटेशन को एक्सटेंसिव कर दिया है, वहां पे वाटर स्प्रिंकलिंग शुरू कर दी गई है, वहां पे इंक्रोचमेंट जीरो पे है, वहां पे जो स्कूल्स की टाइमिंग को हम करने जा रहे हैं चेंज, वहां पे जो रात को अर्ली क्लोजर्स होंगे वेडिंग मार्किस के और रेस्टोरेंट्स के, हम उसको रिस्ट्रिक्ट करने जा रहे हैं। और ये और भी जी बिल्कुल सर, तो ये बताइएगा कि इससे आपका मकसद ये है कि ये जो बहुत एबनॉर्मली हाई यहाँ की पोल्यूशन है उसको आप कम कर लें टू परहैप्स ब्रिंग इट डाउन टू द सेम लेवल एज द रेस्ट ऑफ द सिटी, इज दैट योर ऑब्जेक्टिव? जी एग्जैक्टली, अब मैं ये बता रहा था कि इट्स नॉट गोइंग टू बी दी दिस इज लास्ट वन, ये तो पहला हमारा लॉकडाउन है, इसके अलावा 10 से 12 एरियाज और हैं जहां पे 1 किलोमीटर रेडियस में हम ये करेंगे। ये मैंने हमने जैसे कहा ना कि हमने पिछले एक हफ्ते 10 दिन से ये मॉनिटर किया एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम से कि ये एरियाज वो हैं जो बाकी शहर से ज्यादा जहां पे पोल्यूशन को मॉनिटर किया रीड किया जा रहा है, वहां पे ये आने वाले दिनों में हम 10 से 12 जगहों पे 1 किलोमीटर रेडियस को लेके हम करेंगे और यही इकदामात वहां भी रिपीट करेंगे क्योंकि ये एरियाज अनहेल्दी से भी आगे चले गए हुए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर ये बताइएगा कि यहाँ से आप कोई वर्क फ्रॉम होम की जो पॉलिसी का जिक्र हो रहा है वो भी क्या सिर्फ इन एरियाज के लिए है? जी बिल्कुल, सिर्फ अभी तक ग्रीन जो हमारा रिंग है या जो ग्रीन लॉकडाउन जिसको कहा जा रहा है इसी एरिया के अंदर हमारे कोई तकरीबन 25,000 से 30,000 बच्चे स्कूल जाते हैं, कोई 12 बड़े स्कूल्स हैं यहाँ पे, सरकारी दफ्तर हैं यहाँ पे, जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं ये सारे यहाँ से वर्क फ्रॉम होम 50% पे हम ले जाएंगे और अल्टरनेट डेज पे होगा। इससे मजीद इसके अलावा भी बहुत सारे और एक्शन भी हम एज वी गो हम इसको कर रहे होंगे क्योंकि आज पहला दिन था, हमें बड़ा अच्छा रिजल्ट तो मिला। आपको ये लगता है, माफ करिएगा भी रनिंग आउट ऑफ टाइम, कि ये इफेक्टिव हो जाएगा, इससे फर्क पड़ेगा क्योंकि एक तरफ तो आप लोग इंडियन पंजाब से बात करने की बात कर रहे हैं? जी मैं ये दो हिस्सों से है, एक तो मैं इस वक्त का आपको एक ही वाई दे दूं उस एरिया का, वो इट हैज गॉन डाउन टू 140 और ये आप समझ सकते हैं कि जो चंद दिन पहले ये 700 तक भी था, 600 तक भी था। एज फार एज इंडिया इज कंसर्न 140 पे आ गया आफ्टर वन डे ऑफ अ ग्रीन लॉकडाउन। जी जी एग्जैक्टली यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारा बड़ा टारगेटेड ऑपरेशन है। हम देखें लाहौर इज 15 मिलियन पीपल की आबादी का शहर है, यहाँ पे 45 लाख बाइक्स हैं, 13 लाख गाड़ियां हैं, ह्यूज इतना फर्क कैसे पड़ गया एक दिन में ही? जी ये हमारा अपना मॉनिटर नहीं है, थर्ड पार्टी मॉनिटर कर रहा है इसको एयर क्वालिटी, और ये इंशाल्लाह यही हमारा इस वक्त भी लाहौर की पूरी ओवरऑल भी 170 पे है AQI और ये आने वाले दिनों में आपको मजीद इस तरह बेहतर मिलेगा इसको क्योंकि इंडिया से जो आता है ये इसका फिनोमिना बहुत बहुत।